ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकार क्या होते हैं इसके जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति क्या होती है। हम द्विविमीय आकृतियों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, द्विविमीय यानी कि दो विमा वाली आकृतियां, दो विमाएं अर्थात लंबाई और चौड़ाई। तो ऐसी आकृतियां जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है वो द्विविमीय आकृतियां कहलाती है। जब हम इन द्विविमीय आकृतियों के साथ एक विमा और बढ़ा दें यानी कि लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ उसमें ऊंचाई की विमा भी हम उसमें दें तो एक त्रिविमीय आकृति, तीन विमाओं वाली आकृति हमारे पास अब मिलती है और उसे हम कहते हैं एक ठोस आकृति। तो हम सबसे पहले देखते हैं द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृतियां ऐसी आकृतियां जिन्हें आप पकड़ नहीं सकते, यानी कि आप केवल उसे बना सकते हैं, किसी एक तल पर आप उसे बना रहे हैं लेकिन आप उसे उठा नहीं सकते, आप उसे पकड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर हम बात करें एक वर्ग की या एक आयत की, हमारे पास ये एक आयत है, इस आयत में हमारे पास केवल दो विमाएं हैं, एक इसकी लंबाई और एक इसकी चौड़ाई। सिर्फ दो विमाएं यहां पर हमारे पास है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अगर हम इस आयत को यहां से उठाना चाहें, इसको पकड़े यहां से, तो हम इसको नहीं पकड़ सकते, हम इसको उठा नहीं सकते क्योंकि ये केवल दो ही दिशाओं में रह सकता है। एक तल की दो दिशाएं होती है, उन दोनों दिशाओं के अंदर ये रह सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी त्रिविमीय आकृति की, जब हम त्रिविमीय आकृति देखते हैं तो लंबाई और चौड़ाई के अलावा उसमें ऊंचाई भी आ जाती है, अर्थात वो तीनों दिशाओं में जा सकती है। जब वो तीनों दिशाओं में जा सकती है तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं, आप उसे उठा सकते हैं। किसी एक तल पर एक त्रिविमीय आकृति को बनाना आसान नहीं होता, इसलिए हम एक त्रिविमीय आकृति यानी कि एक ठोस आकृति का यहां उदाहरण लेते हैं कि जब हम इस प्रकार के कुछ आयतों को मिला दें तो हमारे पास कुछ एक इस प्रकार की आकृति आती है। यह हमारे पास आकृति है जहां पर हम देखते हैं कि यहां पर ये एक आयत है, एक आयत इसके इस तरफ है, यहां पर ये कुछ आयत दिए गए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई इन आयतों की लंबाई और चौड़ाई से कुछ अलग हो सकती है। जैसे यहां इसकी आप चौड़ाई देखिए बहुत कम है और इसकी अगर हम चौड़ाई देखें तो बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार के यहां कई आयत हमने मिलाए और उनको मिलाकर हमने एक ठोस आकृति का यहां पर चित्रण किया है। तो अगर हम इस ठोस आकृति को इस तल पर दर्शाना चाहें तो हम इसे इस प्रकार से बनाते हैं। इस आकृति को हमने यहां पर इस प्रकार से बनाया है। इस आकृति में हम देखें तो ये वाला जो भाग है इसका, ये यहां पर हमने दिख रहा है ऊपर की तरफ, इसका जो पीछे का भाग होगा, पीछे का जो तल है वो ये जो पीछे का हमने तल दिखाई दे रहा है वो है, ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है ये इसमें ये वाला भाग होगा। तो इस प्रकार से एक ठोस आकृति को हम पूर्ण रूप से एक द्विविमीय जगह पर तो नहीं बना सकते। ये तल है, ये तल एक द्विविमीय तल होता है, तो इस पर हम पूरी तरह से इसे बना नहीं सकते, पर हम इसे दर्शाने की यहां कोशिश करते हैं। अगर हम इसे ढंग से देखना चाहें तो हमें ये लगता है कि ये जो चीज है इसमें ये बिंदु बाहर की तरफ आ रहा है, ये उठकर इस तल के उससे ऊपर उठकर आ रहा है। लेकिन जब हम इसे ठीक से देखना चाहें तो हमें उसके लिए फिर हमारे पास एक ठोस आकृति खुद अपने हाथ में लेनी होगी। इसके अलावा हमारे पास और भी त्रिविमीय आकृति होती है, जैसे कि हम बात करें गोले की। अब हम गोले को जब हम बनाना चाहें तो हम केवल एक वृत्त बना सकते हैं द्विविमीय जगह पर। ये तल है, तल पर आप पूरा गोला नहीं बना सकते, लेकिन जब हम इस गोले को देखें तो ये गोला कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें हम इसे बिल्कुल अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। लेकिन जब हम इस गोले को यहां तल पर बनाएं तो हम सिर्फ एक वृत्त देख सकते हैं, इसे घुमाकर नहीं देख सकते।
ये थी त्रिविमीय आकृतियां जिनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं हैं। आप इसे किसी भी प्रकार से देख सकते हैं, अपने हाथों से उसे हर प्रकार से घुमा सकते हैं, उसको ऊपर से नीचे से कहीं से भी उसको देखा जा सकता है। कुछ त्रिविमीय आकृतियों को अलग अलग आकृतियों को मिलाकर उनका संयोजन भी बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम कहें यह हमारे पास एक शंकु है, इस शंकु के ऊपर की ओर हम एक ठोस इस गोले को रख देते हैं, तो यहां पर एक संयोजन हमारे पास बनता है कि नीचे तो शंकु जा रहा है और ऊपर जाकर एक ठोस आकृति यहां, जिसे हम कहते हैं गोला। तो शंकु और गोले का यह संयोजन है जिसका केवल इतना भाग, जितना कि इस शंकु का ये भाग होगा, केवल और केवल इतना भाग तो यहां कट जाएगा क्योंकि ये जुड़ेगा, और बाकी सब कुछ भाग यहां पर होगा। ऐसे ही हम कई और ठोस आकृतियों को मिला सकते हैं। जैसे अगर हम इस ठोस आकृति की बात करें तो इस ठोस आकृति में ये देखते हैं कि इस तरीके के जो ये हमारे पास आकृति है, इस आकृति की दो अलग अलग चीजें यहां पर है, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, और फिर इनके बीच में एक मोटाई है, ये मोटाई यहां पर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले तो आपने ज्यादा मोटाई वाले, अगर हम बाहर के इस आकृति की बात करें तो इस आकृति को पहले लिया और फिर कुछ मोटाई के साथ वैसी की वैसी आकृति आपने इसके अंदर रखी, तो ये भी एक ठोस आकृतियों का, दो ठोस आकृतियों का संयोजन होगा। ठोस आकृतियों के जानने के बाद हम बात करते हैं कि इन ठोस आकृतियों यानी कि त्रिविमीय या 3D आकृतियों को किस प्रकार से देखा जा सकता है, अर्थात इनके कैसे अलग अलग दृश्य होते हैं। ठोस या हम कहें 3D आकारों के दृश्य, थ्री आकारों के दृश्य की हम बात करें कि अगर हम कोई ठोस आकृति अपने हाथ में लेते हैं, इसे हम कितने अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। अगर हम बिल्कुल इसे ऐसे रखें आपके लिए, तो आप केवल इसका ये भाग देख सकते हैं, जबकि ये है पूरा भाग, बहुत बड़ी चीज है ये, यहां से इतना सब कुछ है, लेकिन जब अगर आपको इस तरीके से दिया जाए तो आप केवल इसका ये भाग देख सकते हैं, या अगर हम इसे ऐसे रखें तो आप केवल ये भाग देख सकते हैं जिस पर ये कुछ लिखा हुआ है, और अगर हम फिर इस तरीके से देखें तो आपको एक दूसरा भाग दिखाई दे जाता है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो आप यहां पर कुछ अलग अलग भाग देख सकते हैं, दोनों की आकृति, ये वाला और ये वाला, दोनों अपनी आकृति में, अपनी साइज यानी कि इनका जितना भी माप है बराबर है, पर आप इनके अंदर कैसे अंतर कर सकते हैं कि इधर तो ये लिखा हुआ था और इधर नहीं लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से आपको अगर देखना है तो आप एक बार में इस पूरी ठोस आकृति को एक साथ कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आप इसे सामने से देखेंगे तो सिर्फ इतना भाग दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ इतना भाग दिखाई देगा, अगर इस तरफ से देखेंगे तो आपको इसका ये भाग दिखाई देगा। तो अब हम यहां पर कुछ ठोस आकृतियां लेते हैं और फिर उनके अलग अलग दृश्य देखते हैं। इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम इस घर की आकृति को साथ में लेते हैं। इस घर में अगर हम देखें तो अगर आप इस घर को सामने से देखते हैं, सामने से आपको क्या दिखाई देता है, सामने से आपको इसका ये भाग दिखाई देगा कि यहां पर इसके दरवाजा है और दो खिड़कियां हैं, लेकिन क्या आप इस घर में सामने से देखकर बता सकते हैं कि इसके साइड में क्या होगा, या इसके इस तरफ के हिस्से पर कितनी खिड़कियां होंगी या क्या है। तो आप इस 3D आकृति को एक बार में पूरा नहीं देख सकते, आपको इसे देखने के लिए इसे अलग अलग तरीकों से देखना होगा। तो जब हम सामने से देख रहे हैं तो केवल इतना बता सकते हैं कि इसके सामने क्या है, हमें नहीं पता इसके पीछे क्या है या इसके ऊपर या इसके दोनों तरफ क्या होगा। अब हम इसको ऊपर से देखते हैं, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें, इसकी छत, ये हमारे पास इसकी छत आती है। तो इस घर की केवल और केवल हमें छत दिखाई दे रही है। जब आप कभी किसी घर के ऊपर से निकले तो अगर आप उसके ऊपर हैं तो आप ऊपर से देखेंगे तो क्या आपको पता लग सकता है कि उसके नीचे वाले भाग में कहां पर उसका दरवाजा है वो क्या है, वो नहीं पता लग सकता। तो ये उसका ऊपरी भाग होगा। अब हम चलते हैं इस घर के साइड में यानी कि पार्श्व रूप में, तो यहां अगर हम देखें तो फिर हमें कुछ और रूप दिखाई दे रहा है। हमने जो पहला रूप देखा था वो कुछ ज्यादा बड़ा था, क्योंकि सामने का हिस्सा घर का थोड़ा बड़ा होगा और फिर जो साइड का हिस्सा होगा वो थोड़ा छोटा होगा, और फिर अगर हम पीछे का हिस्सा देखें तो आगे के हिस्से और पीछे के हिस्से में कुछ ना कुछ अंतर आ सकता है, क्योंकि घर अगर हम देखते हैं तो उसके आगे के हिस्से में हम एक दरवाजा बनाते हैं परंतु पीछे के हिस्से में हम उसका दरवाजा नहीं बनाए, तो उसके आगे और पीछे वाले हिस्से में अंतर हो सकता है।
या फिर अगर हम इसे नीचे से देखना चाहें तो घर को तो हम उठाकर नीचे से देख नहीं सकते, लेकिन नीचे होता क्या है कि घर पूरा एक किसी तल पर बना हुआ होगा, तो नीचे एक बिल्कुल समतल स्थिति होगी। अब हम यहां पर एक अन्य आकृति लेते हैं। इस आकृति को भी देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यह आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ी आकृति, लेकिन जैसे ही आपने इसे ऊपर से या नीचे से देखना चाहा तो आपको केवल और केवल एक षटभुज दिखाई देगा। यहां पर इतनी बड़ी आकृति में अगर बिल्कुल इसे आप सामने से देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक षटभुज दिखाई दे रहा है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता कि इस आकृति में इस तरफ क्या होगा। लेकिन जब हम आकृति को इस तरीके से रख लें तो आपको अब इसके केवल तीन भाग दिखाई दे रहे हैं, एक ये भुजा बाहर की ओर निकली हुई और दो ये पास की भुजाएं। और अगर हम इसे थोड़ा सा और घुमा दें तो अब आपको यहां चार भुजाएं दिखने लग गई हैं, दो ये रही, एक ये आयत दिख रहा है आपको और एक ये बड़ा आयत दिख रहा है। तो अगर आपने केवल इसको इस तरीके से रखा तो आपको तीन भुजाओं वाला भाग दिख रहा है, जब आपने इसको थोड़ा सा घुमाकर देखा तो आपको यहां चार भुजाओं वाला भाग दिखाई दे रहा है, जब आपने इसको इस तरह से देखा तो नीचे से आपको ये षटभुज दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप देखते हैं तो आपको एक षटभुज तो दिखाई देता है, परंतु एक खोखला षटभुज हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो हर तरफ से इसकी आकृति भिन्न भिन्न है, लेकिन एक तरफ से देखकर आप इसकी पूरी आकृति का अनुमान नहीं लगा सकते कि पूर्ण रूप से ये कौन सी आकृति होगी। अब हम इन आकृतियों को चित्रित करके देखते हैं कि इनका ऊपर से किस तरीके से दृश्य दिखेगा हमें, इनका सामने से दृश्य किस प्रकार से होगा और इनका पार्श्व दृश्य किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले हम इसे देखें कि जब हम इसे ऊपर से देखते हैं इस आकृति को, तो ऊपर से अगर हम इसे देखते हैं तो आपको यहां पर केवल और केवल ये एक आयत दिखाई दे रहा है। इस आयत को अगर हम पीछे की तरफ बनाएंगे तो हमें ऊपर का कुछ इस प्रकार का दृश्य मिलेगा। जब हम इस आकृति को वापस ले, इस आकृति को और इसे सामने से देखते हैं बिल्कुल, तो इसे अगर हमने बिल्कुल सामने से देखा तो ये पीछे की तरफ अगर हम इसे बनाए इस आकृति को तो पीछे हमें यहां पर एक ये आकृति दिखाई देती है। अब हम इस आकृति को इस तरफ से साइड में से देखेंगे, जब हम इसे साइड में से देखते हैं पार्श्व रूप में अगर हम इसे देखते हैं तो पार्श्व रूप में कुछ इस प्रकार से आकृति बनती है। यहां देखते हैं इस आकृति और इस आकृति के आकार समान है, लेकिन इन दोनों का माप अलग अलग है, क्योंकि जब आपने इसे सामने से देखा था तो इसका जो माप था वो थोड़ा बड़ा है, यहां पर इसकी लंबाई कुछ ज्यादा है, और यहां पार्श्व रूप से जब आपने देखा तो इसकी लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। अब हम अगली आकृति पर चलते हैं, एक घर पर। जब हम इस घर को यहां पर लें, यह हमने एक घर लिया है, तो अब हम इस घर को देखना चाहते हैं। सबसे पहले यह हमारा घर है, हम इसे सबसे पहले ऊपर से देखते हैं। हमने इसे जब ऊपर से देखा तो ऊपर से जब हम इसे देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें यह आकृति मिल रही है। ये एक रेखा यहां पर है, फिर दो भुजाएं कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ जा रही है, और फिर यहां पर दो अन्य रेखाएं मिलती है। तो जब हम इस घर को इस तरह ऊपर से देख रहे हैं तो आपको मिला ये एक रेखा, नीचे जाती हुई दो भुजाएं और फिर ये दो अन्य रेखाएं। अब हम इस घर को सामने की तरफ से देखने की कोशिश करते हैं। जब हम इस घर को सामने से लें तो सामने से आपको मिलता है सबसे पहले ये वाला भाग, ये एक आयताकार भाग है। यहां पर इस आयताकार भाग में आप देखिए एक दरवाजा और साथ में दो खिड़कियां हैं। इस आयताकार भाग के ऊपर एक छोटा आयत बना हुआ है, इस छोटे आयत में भी एक दरवाजा और दो खिड़कियां यहां बनी हुई है, और फिर ऊपर इसकी छत का जब हम भाग देखें तो एक भुजा ये रही, दो भुजाएं ऊपर की तरफ जाती हुई और फिर एक भुजा यहां ऊपर। यह आपने इसे सामने से देखा, लेकिन जब आप इसे साइड में से यानी कि पार्श्व रूप में जब देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहां पर यह आता है। यहां हम देखें तो इसकी चौड़ाई सामने वाले से थोड़ी कम हो जाती है। यहां पर इसकी चौड़ाई ये एक आयताकार रूप, तीन अलग अलग खिड़कियां और फिर ऊपर की ओर आयत और उस पर दो खिड़कियां, और फिर ऊपर इस बार हमें यहां दिखाई दे रहा है त्रिभुज। जब हमने सामने से देखा था तो हमें एक चतुर्भुज यहां पर दिखाई दिया था, लेकिन जब हमने साइड में से देखा है इसे तो हमें यहां पर एक त्रिभुज मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको इस घर को देखने के लिए ऊपर से कुछ अलग आकृति, सामने से कुछ अलग आकृति और पार्श्व रूप में कुछ अलग आकृति मिलेगी। अब हम बात करते हैं इस आकृति, इस आकृति को सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर से। जब आपने इसे ऊपर से देखा, आप इधर से देखें या इधर से देखें, ये दोनों तरफ से समान है। जब आपने इसे इधर से देखा तो आप यहां से बनाते हैं एक षटकोण, तो ये हमें एक षटकोण या षटभुज मिलता है।
इसी आकृति को अब हम सामने से देखते हैं। अगर हम इसे इस तरीके से सामने से माने तो ये दो भुजाएं, ये देखिए ये दो भुजाएं आती है जिनके बीच में ये इतना भाग है, फिर इसके थोड़ा सा पीछे जाकर ये दो भुजाएं थोड़ी पीछे जाती हैं और फिर थोड़ी दूर जाकर वापस से दो अन्य भुजाएं बनती हैं, तो ये दो अन्य भुजाएं यहां पर आ जाती हैं। लेकिन जब आप इसे साइड में से देखते हैं, ये सामने से था और जब आपने इसे साइड में से देखा तो आपको क्या मिलता है, एक भुजा दिखाई देगी और उससे कुछ दूरी पर जाकर दो अन्य भुजाएं दिखाई देंगी। तो ये एक भुजा आपको दिखाई देती है, कुछ अन्य दूरी पर जाते हैं और कुछ दो अन्य भुजाएं हमें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से ठोस आकृतियों के तीन अलग अलग दृश्य, ऊपर का दृश्य, सामने का दृश्य और पार्श्व दृश्य हम देख सकते हैं।